गेट बंद कर दिया जाते हैं, तो जाते हुए गेट बंद कर दीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सुभाष। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस लेसन नंबर 9 क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस। द नेम ऑफ द लेसन इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंगस्ट एज देयर ओन। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई लिविंग बींग जो होता है वो अपने जैसे यंगस्ट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू एक लिविंग बींग ये इंश्योर करता है कि उसकी स्पेसीज जो है उसी क्वान्टिटी अर्थ पर सस्टेन करे, उसी क्वान्टिटी अर्थ पर क्या बनी रहे। ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन प्रोसेस की अगर इंपॉर्टेंस में जाए तो इसमें आप ये रीज़न दे सकते हैं कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो एसेंशियल है ताकि कोई पर्टिकुलर स्पेसीज जो है उसकी क्वान्टिटी अर्थ पर मेंटेन रहे। ठीक है, सो अगर लिखना हो इंग्लिश में तो आप कैसे लिखोगे, द रिप्रोडक्शन प्रोसेस एसेंशियल फॉर द क्वान्टिटी ऑफ पर्टिकुलर स्पेसीज ऑन द अर्थ। नाउ मूव ऑन अवर सेकंड हेडिंग, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस तो हमने समझ लिया कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, अब मोड मतलब कितने तरीकों से ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, मोड्स में क्या तरीके होते हैं। सो रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट करने के जो तरीके हैं उनमें दो मेन तरीके आपको पढ़ने हैं। ठीक है, फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मोड्स अगर हम डिफाइन करें तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड है जिसमें मेल और फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसे भी कह सकते हैं कि ये रिप्रोडक्शन की एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मेल फीमेल गैमेट्स क्या कंबाइंड हो, उस प्रोसेस को हम क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब कि मेनली अगर आपको बेसिकली याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हो कि रिप्रोडक्शन के इस मेथड में दो डिफरेंट सेक्स के पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। मतलब एक मेल पेरेंट होना चाहिए और एक मेल फीमेल पेरेंट प्रेजेंट होना कंपलसरी होता है। ठीक है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ प्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें डबल पेरेंट रिक्वायरमेंट होती है, इसमें डबल पेरेंट जो डिफरेंट सेक्स के हों उनकी रिक्वायरमेंट होती है। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और इसमें किसी भी टाइप की गैमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था इसमें गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, गैमेट्स को अगर हम डिफाइन करें, गैमेट्स क्या है, सो गैमेट्स आर स्पेशल सेल्स विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन। गैमेट्स क्या है, गैमेट्स ऐसी स्पेशल सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करती हैं। ठीक है, गैमेट्स आर स्पेशल सेल्स विच टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन या विच हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। कि गैमेट्स जो है वो ऐसी स्पेशल सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। गैमेट्स को हम लोग क्या, गैमेट्स को हम लोग जर्म सेल्स भी कह सकते हैं। गैमेट्स को हम लोग जर्म सेल भी कह सकते हैं या रिप्रोडक्टिव सेल भी कहा जाता है। ठीक है, गैमेट्स को जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो गैमेट्स क्या है, गैमेट्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन। सो ये हो गया मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डबल पेरेंट रिक्वायरमेंट होती है और इसमें गैमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट रिक्वायरमेंट होती है, सिंगल पेरेंट रिक्वायरमेंट होती है और इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, इसमें गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्शन प्रोसेस है इसे कंप्लीट करने के लिए ह्यूमंस में या फिर जो लार्ज एनिमल्स हैं इनमें स्पेशल टाइप का एक सिस्टम पाया जाता है, उस सिस्टम को हम लोग क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ह्यूमंस में, ठीक है, ये लार्ज एनिमल्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम जो है जो अवेलेबल होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। अगर मेल की बात करें तो वो कहलाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऐड किए हैं। ठीक है,
यानी लिखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बट उसे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखो जो मेन ऑर्गन क्या है, एक स्पर्म डक्ट है, एक पेनिस है और टेस्टिस, ठीक है। स्पर्म डक्ट है, पेनिस और टेस्टिस, ठीक है। अब देखिएगा कि देखिए टेस्टिस जो है, टेस्टिस जो है, ठीक है, इसका वर्क क्या है। टेस्टिस स्पेशल टाइप ऑर्गन है जिसका फंक्शन क्या होता है, ये स्पर्म फॉर्म करता है, ठीक है। और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाता है, ठीक है। जो टेस्टिस जो मेल सेक्स ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, एक पार्ट है, इसका काम क्या होता है, ये स्पर्म फॉर्म करता है, इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन बनाता है। अच्छा, यहाँ से गैमेट्स की बात करी थी, तो जो मेल गैमेट होता है उसे कहते हैं स्पर्म, क्या कहते हैं, स्पर्म। और जो फीमेल गैमेट होता है उसे कहते हैं ओवम, ठीक है। जो मेल गैमेट है वो कहलाता है स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट उसे क्या कहते हैं, ओवम, ठीक है। तो जो मेल गैमेट फॉर्म करने का किसका फंक्शन होता है, टेस्टिस का। टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म फॉर्म करता है, टेस्टोस्टेरोन को भी बनाता है, ठीक है। ये मेन काम है। इसके अलावा ये टेस्टिस में स्पर्म फॉर्म हो गया, फिर ये स्पर्म डक्ट के द्वारा सेंड किया जाता है कहाँ, पेनिस में। पेनिस जो होता है, पेनिस द्वारा हम क्या करते हैं, इस स्पर्म को एक तरह से एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। स्पर्म को क्या करते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, फीमेल बॉडी को एंटर कराने के लिए ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब कि जो स्पर्म है उस स्पर्म को रिलीज करने के लिए जो ऑर्गन है क्या पेनिस होता है, ठीक है। इसके द्वारा हम स्पर्म को रिलीज करते हैं। सो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेन पार्ट कौन से हैं, टेस्टिस, पेनिस, स्पर्म डक्ट, ये मेन पार्ट किसके हैं, फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। सेकेंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी देखो तीन मेन पार्ट होते हैं, ओवरी, ओविडक्ट और यूट्रस, ठीक है। ओवरी जो है, ओवरी का काम क्या होता है, ओवरी जो होती है ये एग या ओवम, ओवम को लोग क्या एग भी कहते हैं, ठीक है, ओवम को एग भी कह सकते हैं। तो एग या ओवम रिलीज करना ओवरी का फंक्शन होता है। इसके अलावा ये दो तरह के हार्मोन, एक प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, एक प्रोजेस्टेरोन, एक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नाम के ये दो हार्मोन रिलीज करते हैं। ओवरी जो है ये प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, वहां पर ना दिख रहा हो तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नाम के ये दो हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। ओवरी का काम क्या होता है, ओवम या रिलीज करना, इसके साथ ही प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन को रिलीज करना, ठीक है। ये जो हार्मोन जैसे मेन में जो रिलीज हो टेस्टोस्टेरोन, ये मेल रिप्रोडक्टिव फैक्टर को एक तरह से कंट्रोल करता है, और जो फीमेल की ओवरी में रिलीज होते हैं हार्मोन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव फैक्टर को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है। तो जो बताया कि मेल गैमेट, ठीक है, जो मेल गैमेट है क्या है, स्पर्म, जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट मतलब क्या, ओवम, ठीक है। एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कंबाइंड होकर के, ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कंबाइंड होकर के एक सिंगल सेल बनाते हैं, ठीक है, क्या, एक सिंगल सेल फॉर्म करते हैं, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। कि तो कैसे बताएंगे, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ सिंगल सेल इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन मींस क्या होता है, मिलना या कॉम्बिनेशन, फ्यूजन को कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ सिंगल सेल, ठीक है। सिंगल सेल का नाम भी होता है, क्या नाम होता है, जायगोट, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ सिंगल सेल कॉल्ड जायगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ सिंगल सेल कॉल्ड जायगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दो टाइप्स हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के मोड्स अगर हम देखें, मोड्स कह सकते हैं, देखो तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक क्या होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के मोड्स भी दो हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर कंप्लीट हो रही है, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फीमेल की बॉडी के अंदर हो रही है तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। डिफाइन कैसे करेंगे, सच फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजिंग प्रोसेस अगर फीमेल की बॉडी में हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, इंटरनल। एंड सच फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गनिज इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो ह्यूमंस में और लार्ज एनिमल्स में होता है, ह्यूमन और लार्ज एनिमल्स जो है, ठीक है, और लार्ज एनिमल्स क्या कह सकते हैं, लार्ज ऑर्गनिज्म कह सकते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है फिश में होता है,
फ्रॉग में होता है, ये सब क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। सो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अगर ह्यूमन फीमेल की बॉडी के अंदर कंप्लीट हो रही है तो इंटरनल, अगर आउटसाइड हो रही है तो एक्सटर्नल, ठीक है। अदर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। सो एम्ब्रियो क्या चाहिए, फर्टिलाइजेशन जो सिंगल सेल बनती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो सिंगल सेल बनती है इसे जायगोट कहते हैं। जायगोट जब डेवलप होता है तो फॉर्म होता है एम्ब्रियो, ठीक है। तो क्या फॉर्म होता है, एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होता है तो क्या बनता है, फीटस, ठीक है। क्या बनता है, फीटस, ठीक है। सो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इज अ डेवलप फॉर्म ऑफ जायगोट। एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो डेवलप फॉर्म है। जब जायगोट डेवलप होता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में। और फिर एम्ब्रियो जब और डेवलप होता है, फर्दर डेवलपमेंट होता है तो फीटस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो इज द डेवलप फॉर्म ऑफ जायगोट। अब डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर जो ओविडक्ट है, ठीक है, जो स्पर्म होते हैं वो यहाँ पे देखो ये पार्ट लगता है वजाइना, ठीक है। स्पर्म जो होते हैं वजाइना के थ्रू एंटर करते हैं और फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया है यहाँ पे ओविडक्ट में होती है। जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है वो ओविडक्ट में जाके कंप्लीट होती है। फिर ओविडक्ट से ये फर्टिलाइजेशन जो होता है यहाँ यूट्रस में होता है। ये पोर्सन क्या है, यूट्रस, है ना, ये पोर्सन क्या है, यूट्रस। जब एग फर्टिलाइज जाता है तो यूट्रस में आके एम्बेडेड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक लेयर होती है, ठीक है, ये जो एग वाले एग है, देखिए चौथे पर एक लेयर होती है। ये जो लेयर है ये लेयर प्लासेंटा कहलाती है, ठीक है, ये लेयर कहलाती है प्लासेंटा, ठीक है। सो ये जो फर्टिलाइज एग होता है ये प्लासेंटा लेयर द्वारा यूट्रस में एम्बेडेड कर दिया जाता है। फिर यूट्रस में ही जो फर्टिलाइज एग उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। यूट्रस में क्या, जो फर्टिलाइज एग है उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जो ये फर्टिलाइज एग है, ठीक है, इस फर्टिलाइज एग को कम्प्लीटली डेवलपमेंट में 9 months का समय लगता है, ठीक है। जो 9 months है ये टाइम पीरियड है, ठीक है, मतलब इसमें जो फर्टिलाइज एग है वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है, मतलब एक बेबी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसे इस 9 months के पीरियड का हम लोग क्या, इस 9 months के पीरियड को जेस्टेशन पीरियड, ठीक है, क्या चीज, जेस्टेशन पीरियड, ठीक है, या फिर प्रेगनेंसी पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। ये 9 months का पीरियड होता है, ये 9 months का पीरियड जेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी पीरियड भी कहलाता है। इन 9 months के पीरियड के दौरान जो ये फर्टिलाइज एग है ये कम्प्लीटली बेबी में कन्वर्ट हो जाता है और 9 months के बाद क्या होता है, बेबी बॉर्न होता है, ठीक है। सो ये डेवलपमेंट हो गया एम्ब्रियो का। फिर विविपेरस, ओविपेरस क्या होता है, सच ऑर्गनिज विच गिव्स डायरेक्ट यंग वंस, ठीक है, कि ऐसे ऑर्गनिज जो डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देते हैं, ठीक है। सच ऑर्गनिज विच गिव्स बर्थ डायरेक्ट यंग वंस, कि ऐसे ऑर्गनिज जो डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं, मतलब अंडे नहीं देते हैं, जो डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विविपेरस कहते हैं। जैसे ह्यूमंस क्या, विविपेरस, हम लोग एक्स ले नहीं करते हैं ना, तो हम लोग क्या डायरेक्ट बेबी को बॉर्न करते हैं, ठीक है, बर्थ करते हैं, तो उसे हम लोग क्या, बेबी बर्थ, जो डायरेक्ट बेबी बर्थ करते हैं उन्हें विविपेरस कहते हैं। सच ऑर्गनिज विच गिव बर्थ टू यंग वंस इज नोन एज विविपेरस। और ओविपेरस में क्या हो जाएगा, सच ऑर्गनिज विच लेज एग्स, ऐसे ऑर्गनिज एग ले करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओविपेरस। ओविपेरस में क्या होता है, ऐसे ऑर्गनिज जो एक्स ले करते हैं वो ओविपेरस कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे बर्ड्स हो जाएगा, है ना, फ्रॉग, ये सब एक्स ले करते हैं, जो एग ले करते हैं उन्हें ओविपेरस कहते हैं, और जो डायरेक्ट बेबी को बर्थ करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विविपेरस कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। अगली हेडिंग क्या है, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। अब देखो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मेटामॉर्फ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लावा इंटू एन एडल्ट, ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लावा। देखो जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं जो सिल्क वॉर्म होता है उसके लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। सिल्क वॉर्म में क्या होता है, स्टार्ट में एग्स होता है, फिर वो लार्वा बनता है, ठीक है, लार्वा से कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से वो आखिर में सिल्क वॉर्म बनता है, ठीक है। कैटरपिलर से क्या होता है, सिल्क वॉर्म बन जाता है। तो लार्वा से या फिर कह सकते हैं एग्स से या फिर लार्वा से एक ड्रास्टिक चेंज आता है, ठीक है, एक ड्रास्टिक चेंज आता है ऑर्गनिज की बॉडी में। तो लार्वा से एक सिल्क वॉर्म बनने की प्रोसेस, मतलब अडल्ट की जो प्रोसेस है, अडल्ट स्टेज है, मतलब देखो अडल्ट स्टेज क्या होता है कि डेवलपमेंट रुक जाए जहाँ पे जिस एज में जाके, जैसे कि हम लोग ह्यूमंस में क्या होता है 18 ईयर्स अडल्ट एज मानी जाती है। तो अडल्ट 18 ईयर्स तक डेवलपमेंट हम लोग की होती है, उसके बाद डेवलपमेंट जो होती है, मतलब जैसे कि हाइट बढ़ना, ठीक है, ये चीज़ें जो है जो चेंजेस आते हैं वो 18 तक होते हैं। बाकी वेट घटना बढ़ना ये जिंदगी भर चलता रहता है, बट एक जो हम लोग की बॉडी में बीच का चेंजेस आते हैं वो नॉर्मली जो होते हैं अडल्ट एज तक आते हैं। सो लार्वा का कन्वर्जन होना अडल्ट स्टेज में, ठीक है, मतलब लार्वा से अडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। इन चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस, डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इंटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इंटू अडल्ट
थ्रू आर ड्रास्टिक चेंज इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, जैसे फॉर्म हो गया, प्रभाव हो गया, सब में प्रोसेस कंप्लीट होती है। अगर क्लोनिंग क्या है, क्लोनिंग प्रोसेस क्या होता है? क्लोनिंग एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म की सेल्स का यूज करके उसी के जैसे एकदम सेम एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे मतलब क्या, क्लोनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी यूज द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस द यंग वंस एज सेम टू सेम सिमिलर ऑफ दिस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या, क्लोनिंग प्रोसेस में हम किसी ऑर्गेनिज्म की एक सिंगल सेल को यूज करके एकदम सेम टू सेम उसी के जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्लोन जो था लैम्प एक भेड़ शीप का तैयार किया गया था। ठीक है, शीप का क्लोन तैयार किया गया था। ठीक है, इसको आप बुक में एनसीईआरटी गाइड में दे रखा है, वहाँ से आप इसको रीड कर सकते हो। बाकी प्रोसेस आपको समझना है क्लोनिंग का। क्लोनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक सेल को यूज करके एकदम सेम टू सेम उसी के जैसा एक टू कॉपी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज एंड ऑफ दिस सेशन। If you have any queries, so please ask in comment section. Thank you.